₹1,00,000 दूंगा। बेबी अच्छा है ना ये? हाँ बेबी बहुत अच्छा है, आपको पसंद आ गया? हाँ मुझे तो बहुत पसंद आ गया। भैया कितने का ये? बेबी कैसी बात कर रहे हो आप, ये मैं गिफ्ट कर रही हूँ आपको, तो पैसों की क्यों बात कर रहे हो, मैं देख लूंगी। अच्छा सुनो, तुम ना काउंटर पे चले जाओ, मुझे घर का ना कुछ और सामान देखना है, तो मैं वो देख लेती हूँ और आती हूँ, ठीक है? हाँ ठीक है। क्या सच में तुम मुझे एक रात के 1,00,000 रुपए दोगे? हाँ मैडम, मैं पूरे 1,00,000 रुपए दूंगा। अब मैंने सोचा कि आप इतनी सुंदर हो तो आपके रेट भी कुछ ज्यादा ही हाई होंगे, ये पैसे कुछ कम तो नहीं है ना? अरे नहीं नहीं बहुत सही है ये, लेकिन तुम एक बात बताओ, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं ये सब भी करती हूँ? अरे मैडम मुझे इस दुकान में काम करते हुए 10 साल हो गए, यहाँ पर आसपास के एरिया में कौन क्या काम करता है मुझे अच्छे से पता है। अच्छा अच्छा ठीक है, लेकिन ध्यान रहे मेरे पति को ना इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए, वरना बहुत दिक्कत हो जाएगी। अरे मुझे आपके पति से कुछ भी लेना देना नहीं है, आप बस मुझे खुश कर दो और ले जाओ 1,00,000 रुपए। अच्छा अच्छा ठीक है, तो फिर चले हम? हाँ चलते हैं, यहीं पास में ही मेरा एक फ्लैट है, वहीं पर चलते हैं। ठीक है चलो। यार और कितना दूर है तुम्हारे फ्लैट? अरे ज्यादा दूर नहीं है, ये आ गया चलो। देखो जो भी करना है ना जल्दी से करके निकलते हैं। अरे सोनू मैंने तुम्हें बताया था ना कि मुझे कुछ और सामान भी लेना है, तो वो शोरूम पे खत्म हो गया था, तो इन भैया ने कहा कि वो उनके गोदाम में मिल जाएगा, पर ये पता नहीं मुझे कहाँ पे लेकर आ गया। वैसे तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? सोनू भाई तू बिल्कुल ठीक कह रहा था, तेरी पत्नी पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है, देखो पैसों के लिए मेरे साथ फ्लैट पर भी आ गई है। ये क्या बोले जा रहे हो तुम, क्या नाप सुना बोले जा रहे हो? सोनू तुम्हें पता है ना कि मैं ऐसी बिल्कुल भी नहीं हूँ, पता नहीं ये क्या क्या बोले जा रहा है। बस ये कुछ भी झूठ नहीं बोल रहा है, और ये सब पर्चे में लिखने के लिए मैंने ही बोला था इसको, ताकि मुझे ये पता चल सके कि मेरी बीवी पैसों के लिए किस हद तक गिर सकती है। देखो ये सब ना बकवास मत करो, फालतू का ड्रामा हो रहा है बस यहाँ पे, तुम मेरे साथ घर चलो। मैं कुछ भी बकवास नहीं कर रहा हूँ, हमारे पड़ोस में जो राहुल रहता है उसने मुझे सब कुछ बता दिया है कि तुम कॉलेज टाइम में क्या करती थी, और वही सब बातें मैंने प्रतीक को बता दी थी ताकि तुम्हारी सच्चाई मेरे सामने आ सके। क्या हुआ सोनू भाई, तूने ऐसे एकदम अचानक से कैसे बुलाया? यार क्या बताऊं प्रतीक, मेरा ना यार दिमाग खराब हो रखा है। देख मेरे पास ना एक प्लान है, हम वो ट्राई करते हैं, अगर प्लान सक्सेसफुल हुआ तो हमें पता चल जाएगा कि सच में भाभी ऐसा करती भी है या नहीं। तू सुन, जैसा जैसा मैं बोलता हूँ ना तू सिर्फ वैसा वैसा कर। अच्छा तुम्हें कोई कुछ भी बोलेगा तो तुम मान लोगे, तुम्हें अपनी पत्नी पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं है? अरे लोग जलते हैं कि इनकी घर गृहस्थी इतनी अच्छी चल रही है, इसीलिए तुम्हें भड़काते हैं। तुम ये सब छोड़ो और चलो मेरे साथ घर। हाँ मुझे भी पहले लगता था कि हम दोनों को देखकर लोग जलते हैं, राहुल भी जलता होगा, और फिर मैंने ये सब प्रतीक को बताया, फिर प्रतीक के साथ मिलके मैंने एक प्लान बनाया जिससे तुम्हारी सच्चाई मेरे सामने आ सके, जिससे ये पता चल सके कि तुम मुझसे प्यार करती हो, पैसों से प्यार करती हो, और देख लो तुम्हारी सच्चाई हमारे सामने आ गई, तुम 1,00,000 रुपए के लिए प्रतीक के साथ कुछ भी करने के लिए तैयार हो गई। इसलिए तुमने मुझसे बोला था ना कि तुम काउंटर पे जाओ और मैं थोड़ा और सामान लेके आती हूँ, तुम्हें सामान वामान नहीं लेना था, तुम्हें इसके साथ यहाँ फ्लैट पर आना था। देखो सोनू मैं घर पे जाके ना तुम्हें सब कुछ सच सच बता दूंगी, पर अभी प्लीज यहाँ पे ड्रामे मत करो, वो भी इस पराए आदमी के सामने, तुम अभी मेरे साथ घर चलो। बस बस मुझे घर पर नहीं जाना, और वो कोई पराया आदमी नहीं है, वो मेरा बचपन का दोस्त है और उसने मेरी हेल्प करी है तुम्हारी सच्चाई मेरे सामने लाने के लिए। देखो मुझे कुछ पैसों की ना बहुत जरूरत थी, बस मैंने इसीलिए यहाँ कर दिया, वरना मैं ये सब काम बिल्कुल भी नहीं करती। देखो निहारिका मुझे तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं रखना, ना ही शादी का और ना ही कोई दूसरा रिश्ता, तुम्हें सिर्फ पैसों से प्यार है, पैसों से, मुझसे नहीं। अरे यार ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम मेरी बात तो सुनो कम से कम,
एक काम करो, हम घर चलते हैं, वहाँ आराम से बैठ के बात करेंगे। तुम मेरे साथ घर चलो बस। बात तो होगी निहारिका, लेकिन अब तुमसे नहीं, तुम्हारे घर वालों से, ताकि उनको भी तो पता लगे कि उनकी बेटी क्या क्या करती है पैसों के लिए। चलो प्रतीक। सही कह रहा है भाई तू, और निहारिका तुम, अरे भाई तुमसे कितना प्यार करते थे, लेकिन तुमने उनके साथ ऐसा किया। अरे लड़की घर की लक्ष्मी होती है, और तुमने लक्ष्मी को ऐसे बदनाम कर दिया। मुझे तो तुम्हें भाभी बोलते हुए भी शर्म आ रही है। छोड़ भाई, अपन चलते हैं। तो मेरी बात सुनो।